में सब्सक्राइब कीजिए लॉ हेल्प्स इंडिया यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ लॉ हेल्प्स इंडिया और आज मैं टेक्नोलॉजी गाइड में आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि फेसबुक अकाउंट परमानेंटली किस तरह से डिलीट करते हैं। दोस्तों ये एकदम न्यू प्रोसेस है, यानी कि ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेस है, इसके बाद अभी कोई प्रोसेस नहीं है। यही प्रोसेस अभी काम में आ रहा है और इसी तरीके से अभी फेसबुक प्रोफाइल को परमानेंटली डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आना पड़ेगा अपने फेसबुक अकाउंट पर। जिस फेसबुक अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस फेसबुक अकाउंट पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सबसे जो आसान तरीका है, आप और एक टैब खोल लीजिए, न्यू टैब, और उसमें आप यहाँ पे लिखिए डिलीट फेसबुक या फिर फेसबुक डिलीट। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं तो जैसे ही टाइप करके आप इंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको इन ऑप्शंस में से आपको जो चुनना है वो है, आप यहां पर देख लीजिए www.facebook.com/help/ उसके बाद कुछ भी हो उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो आपको जो यहां पर जो आपको जो चेक करना है वो है facebook.com/help। इसको आपको चेक करना है और इसको चेक करने के बाद आपको इस पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब चाहे तो आप डायरेक्ट भी आप ऊपर में टाइप करके आप जा सकते हैं। ऊपर में टाइप करने के लिए, डायरेक्ट आने के लिए, इस जगह पे डायरेक्ट आपको आने के लिए आपको बस सबसे पहले आपको आपका फेसबुक अकाउंट प्रोफाइल आपको लॉगिन होना है और उसके बाद ऊपर में नया टैब पर आपको लिखना है www.facebook.com/help और उसके बाद स्लैश देके आप जैसे इंटर करेंगे इस तरह से एक पेज आपके सामने आ जाएगा। यही पेज आपके सामने आ जाएगा और आपको इनमें से आपको जो चुनना है वो है हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आप चाहते हैं यहां पर सारे के सारे जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर लिखा है आप अगर चाहते हैं कि जो फेसबुक अकाउंट आप डिलीट कर रहे हैं उसमें से आप अगर कुछ डेटा आप अगर अपने अकाउंट पर यानी कि अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखना चाहते हैं तो आप यहां से यहां पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो करना है वो यहां पर आपको जो करना है ये वाला लेट अस नो पर आपको यहां पर क्लिक करना है तो और एक नया टैब खुल जाएगा। तो इस पेज पर आने के बाद आपको जो करना है डिलीट माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको आपका जो फेसबुक का जो अकाउंट है उसका यहां पर आपको पासवर्ड देना है और उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको आपको यहां पर टाइप करके ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये कैप्चा कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप एन ऑडियो कैप्चा पर भी आप क्लिक कर सकते हैं तो इसमें आवाज सुनाई देगा, उस आवाज को सुन के आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। या फिर इस कैप्चा को आप अगर बदलना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे जंबल वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ट्राई अनदर टेक्स्ट पर आप क्लिक जैसे करेंगे ये और एक दूसरा एक कैप्चा आ जाएगा। तो चलिए मुझे तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है तो मैं यहां पर पासवर्ड टाइप करके इस कैप्चा को यहां पर फिल करके ओके पर क्लिक कर लेता हूं। तो मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूं तो ये वाला एक मैसेज पॉपअप करके मेरे सामने आ जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है परमानेंटली डिलीट अकाउंट और उसके नीचे जो लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड फ्रॉम द साइट एंड विल बी परमानेंटली डिलीटेड विद इन 14 डेज, यानी कि 14 दिन के अंदर ये अभी टेम्पोरली डीएक्टिवेटेड होके अभी है ये अकाउंट और अगर परमानेंटली ये 14 दिन के बाद परमानेंटली ये अपने आप डिलीट हो जाएगा ये अकाउंट। और उसके अंदर अगर आप चाहते हैं इसको फिर से आप यूज करना चाहते हैं तो इस पर बस आपको लॉगिन करना है और आप जैसे लॉगिन करेंगे तो ये फिर से चालू हो जाएगा, ये अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जो आपको करना है वो 14 दिन के अंदर करना है, लेकिन 14 दिन के बाद अगर करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि 14 दिन के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल से यहां पर ओके पर आपको क्लिक करना है और ये आप आ गए बाहर। अब जैसे बाहर आ गए तो इसके बाद इसमें कोई काम अब बचा नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली अब डिलीट हो जाएगा 14 दिन के बाद। तो दोस्तों याद रहे आप अगर इसको अगर फिर से अगर लॉगिन करेंगे यही पासवर्ड देके यही जो ईमेल आईडी है ये सब देके आप फिर से अगर लॉगिन करेंगे 14 दिन के अंदर तो ये जो अकाउंट है ये डिलीट नहीं होगा, फिर से ये
एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से आपको डिलीट करने के लिए दोबारा वही प्रोसेस आपको यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।